करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि वन डे एग्जाम एज वेल एज ट्रिपल सी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या कहलाते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी भाषा, फोर निर्देश। सेकंड हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है विविधता, शुद्धता, सोचने की क्षमता, विशाल भंडारण। आंसर नंबर थ्री इज राइट, सोचने की क्षमता। अर्पानेट की शुरुआत कब हुई थी? ए वर्ष 1989, सेकंड वर्ष 1969, सी वर्ष 1959, फोर वर्ष 1979। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट आंसर, वर्ष नंबर 1969। फोर्थ क्वेश्चन, मेमोरी उपकरणों में शामिल नहीं है BRD, DVD, पेन ड्राइव, डिवाइस ड्राइव। आंसर नंबर डी इज राइट, डिवाइस ड्राइव। इनमें से कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? असेंबली, बाइनरी, सी भाषा, जावा। आंसर नंबर टू बाइनरी इज अ राइट आंसर। फेसबुक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ए 2002, 2004, 3 2006, 4 1999। आंसर नंबर टू इज राइट, 2004। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है अमेजोन, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, उपयुक्त सभी। इसमें से सभी हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। आंसर नंबर फोर इज राइट। क्वेश्चन नंबर एट, आधार कार्ड का अंक कितने अंकों का होता है? 18 अंकों का, 12 अंकों का, 14 अंकों का, 16 अंकों का। आंसर नंबर सेकंड इज राइट, 12 अंकों का। MS Excel की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, शीट, बुक, फाइल। आंसर नंबर ए इज राइट, सेल। पाइथन कंप्यूटर में किसका नाम है? भाषा का नाम है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का। आंसर नंबर वन भाषा का। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो चलाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F5, F12। ये आंसर नंबर थ्री इज राइट, F5 का प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट एक्सटेंशन को किस नाम से जाना जाता है? ट्विटर, डोमेन नेम, ई कॉमर्स, सर्च इंजन। आंसर नंबर टू इज राइट, डोमेन नेम। थर्टीन, कंप्यूटर का प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑन, स्टार्ट, शिफ्ट, होम। ये आंसर नंबर टू इज राइट, स्टार्ट का। अब देखते हैं CRT का पूरा नाम है, कैथोड के रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, क्रिस्टल रे ट्यूब और कोड रे ट्यूब। इसका है कैथोड रे ट्यूब। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन, USI। इसका फुल फॉर्म हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस पे वर्क करता है। आंसर नंबर फोर इज राइट। 16, निम्न में से कौन सी भाषा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, कोबोल, जावा, असेंबली। आंसर नंबर फोर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। आंसर नंबर सेकंड इज राइट, माउस। कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस भाषा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? A5 का, F5 का, LT+5 का, F12 का। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, F5 का। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, स्कैनर, पॉइंटर, स्पीकर। आंसर नंबर थर्ड इज राइट, स्कैनर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रिबन सबसे पहले किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग किया गया? 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2008 में। आंसर नंबर थ्री इज राइट, 2007 में। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश रजिस्टर, रोम, हार्ड डिस्क। आंसर नंबर टू इज राइट, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? एरियल, कैलिब्री, वनाडा, टाइम्स न्यू रोमन। आंसर नंबर टू इज राइट, कैलिब्री। हार्ड कॉपी प्रदान करता है MS Word, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, कीबोर्ड। ये आंसर नंबर सेकंड इज राइट, प्रिंटर। 100 GB किसके बराबर होती है? 1 GB, 1000 MB, 1024 MB या 1024 KB। ये आंसर नंबर थ्री इज राइट, 1024 MB। ना कि जीरो नहीं रहेगा, डबल ज़ीरो, इसमें खाली 1024 MB रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? LAN, CAN, MAN, वैन।
आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, कैन नहीं है। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का है फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। DPI संबंधित होता है प्रिंटर से, माउस से, कीबोर्ड से, स्पीकर से। आंसर नंबर वन इज राइट, प्रिंटर से। DPI का फुल फॉर्म हमको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। अब देखते हैं MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N, Ctrl+M, Alt+N, Shift+M। ये आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती हैं, 12, 10, 16, 14। ये आंसर नंबर वन इज राइट, 12। एंड्रॉयड में संबंधित नहीं है, पाई, ओरिया, नौगाट, कैटालिना। ये आंसर नंबर फोर इज राइट, कैटालिना इससे संबंधित नहीं है। साइबर खतरे होते हैं, ट्रोजन, वॉर्म, फिशिंग, उपयुक्त सभी, ये सभी हमारे साइबर खतरे हैं। पॉप का पूरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस पेयर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉइंट ओपन प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। ये हमारा सेकेंड आंसर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। स्थाई मेमोरी नहीं है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, CT। ये स्थाई मेमोरी नहीं है, रैम जो कि हम एक्सटर्नल लगाते हैं। इनपुट डिवाइस नहीं है, OBR, OMR, OOR, OCR। ये आंसर नंबर सी, OOR नहीं है। इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। रिजोल्यूशन दर्शाता है पिक्सल, ग्राफ, चार्ट, टेबल। ये आंसर नंबर वन इज राइट, पिक्सल। कोर्टाना संबंधित है विंडोज 10 से, लिनक्स से, विंडोज XP से, यूनिक्स से। आंसर नंबर वन इज राइट, विंडोज से, विंडोज 10 से। डेजी व्हील किससे संबंधित है, थर्मल प्रिंटर से, प्लांटर से, इंपैक्ट से, प्रिंटर से, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर से। आंसर नंबर थ्री राइट, इंपैक्ट प्रिंटर से। MS वर्ल्ड 2010 डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 10, 11, 12, 14। ये आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, 11। व्यापार का उदाहरण है B2S, B2B, C2B, C2C। ये B2B होता है, आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस। बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है PROM, DROM, EPROM, DVD। ये आंसर नंबर सेकेंड इज राइट, DRAM। विंग किसका उदाहरण है, इंटरनेट का, आउटपुट का, सर्च इंजन का, WebUR का। ये आंसर नंबर थ्री इज राइट, सर्च इंजन का। अब देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है, इंटरनेट, नेटवर्क, वेबसाइट, सर्च इंजन। आंसर नंबर वन इज राइट, इंटरनेट। माउस से मिलने वाले बटन होते हैं 1, 3, 4, 5। आंसर नंबर सेकेंड इज 3। हमारे फ़ोटो को या वीडियो को कंप्यूटर पे कौन से ले जाएगा, माइक्रोफोन, स्टीम, वेबकैम, माउस। आंसर नंबर थ्री इज राइट, माउस। विंडोज़ हेलो किससे संबंधित है, प्रमाणी विकिरण से, डाटा सेट से, डिवाइस से, गणना से। आंसर नंबर वन इज प्रमाणीकरण से। यदि पावर पॉइंट का कार्य करते हुए गलती से स्लाइड डिलीट हो जाए तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की का प्रयोग किया जाएगा, सी का, वाई का, जेड का, ए का। आंसर नंबर थ्री इज राइट, जेड का। आउटलुक का प्रयोग किया जाता है ईमेल एप्लीकेशन, इनपुट, आउटपुट, गणना। आंसर नंबर ए इज राइट, ईमेल एप्लीकेशन के लिए। MS Excel में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कहाँ दिखाया जाता है, नेम बॉक्स में, स्टेटस में, फार्मूला बार में, टाइटल में। आंसर नंबर थ्री इज राइट, फार्मूला बार में। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, SBI, बडी, पेटीएम, भीम, क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड फोर इज अ करेक्ट आंसर। MS वर्ड में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, चार्ट टैब, ग्राफ। सेकेंड आंसर नंबर बी इज राइट, इंसर्ट टैब। कर्सर के दाई ओर हटाने का कार्य क्या करेगा, बैक स्पेस, डिलीट, एंटर, स्पेस। सेकेंड डिलीट। आज के लिए इतना काफ़ी था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन गलत होगा या आप बताइएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और नई वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम इसमें और से नई वीडियो बना के लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।